अगर आपके धान के पत्तों में इस तरह से वाइट वाइट सफ़ेद सफ़ेद धारियां बन रही है, आपके पत्ते सफ़ेद पड़ रहे हैं, तो ये जो है इसका उपचार करना तो आवश्यक ही है, क्योंकि ये धीरे धीरे जो है सफ़ेद रहता है और ये धीरे धीरे जो है काला पड़ना स्टार्ट हो जाता है और वो पत्ता नष्ट हो जाता है। अक्सर कई धानों में इसको देखने को फसलों में देखने को मिलता है, ज़्यादातर उन्हीं खेतों में इस टाइप का जो है रोग, मतलब इस टाइप के लक्षण बीमारी जो है ज़्यादातर जिस खेत में ज़्यादा पानी का भराव होता है उस खेतों में ज़्यादा नज़र आती है। ये किसी भी प्रकार से फंगस या तो फिर वायरस वाली बीमारी नहीं है, तो इसमें ज़्यादा जो है फंगीसाइड या तो वायरस के लिए कोई भी आपको पेस्टिसाइड जो है डालने की आवश्यकता नहीं है। किसान साथियों, मैं हूँ पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं खेती हमारी धरोहर यूट्यूब चैनल। किसान साथियों, ये जो है इस टाइप के लक्षण जो है अक्सर आपको धान की किसी भी वेराइटियों में देखने को मिल जाती है और ज़्यादातर उन खेतों में ये वाइट वाइट जो है धब्बे पड़ना या तो नालियाँ बनना, पत्ते का वाइट होना ज़्यादातर जो है ज़्यादा पानी भरा वाले खेतों में हमको ज़्यादा देखने को मिलता है। और इस वाइट होने से जो है फसल को जो है सूर्य का जो प्रकाश संश्लेषण, उसको जो भोजन मिलना बंद हो जाता है और धीरे धीरे ये पत्ता जो है सड़ना या तो गलना मरना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि मैं पहले भी बता रहा हूँ, ये कोई वायरस या तो फिर फंगस वाली बीमारी नहीं है, तो इसमें भी कोई भी आपको फफूंदनाशक छिड़काव करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो है आपकी धान की फसल में एक प्रकार से लोहे की कमी की जो है लक्षण है, तो लोहे की कमी के लक्षण को जैसे हमारे जिन खेतों में ज़्यादा जल भराव हो जाता है उस खेतों में जो है ज़्यादातर लोहे की लक्षण दिखाई देती है, लोहे की कमी दिखाई देती है, जो लोहा तत्व होता है, जो आयरन होता है, उसकी कमी दिखाई देती है। तो ये जो है उसका लक्षण है जिससे जो है आपका पत्ते जो है सफ़ेद पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, सफ़ेद धारियां बनना स्टार्ट हो जाता है। इसके लिए आपको सिंपल सा ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप जो है 2 से 2.5 किलो चूने का घोल बनाकर आप अपने खेत में स्प्रे कर सकते हैं, या तो फिर चूने को अच्छे से पीस कर आपके खेत में जो है बिखराव कर सकते हैं लगभग 5 से 6 किलो। तो उतने में जो है इस जो लोहे की जो आपकी फसल को कमी है वो उसकी पूर्ति हो जाएगी और ये बीमारियां जो है अपने आप ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें जो है कहने का मतलब यह है कि इस टाइप से जो है आपके खेत में जो सफ़ेद धारियां दिख रही है तो ये आपके धान की फसल में लोहे की कमी का लक्षण है। तो उसके लिए आप सिंपल सा जो है चूने का स्प्रे कर सकते हैं या तो फिर 5 से 6 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से जो छिड़काव भी कर सकते हैं, भुरकाव कर सकते हैं, मिट्टी में ले सकते हैं, जिससे जो है इस टाइप की समस्या आपके फसल में देखने को नहीं मिलेगी। फिलहाल आज के वीडियो में